क्या दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं। उत्तर कोरिया के मिसाइल तैनाती को लेकर बढ़े विवाद के बीच अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अमेरिकी मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली थॉर को तैनात कर दिया। सोल के रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। हालांकि थॉर का कौन सा हिस्सा तैनात किया गया इसकी जानकारी मीडिया रिपोर्ट में नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो दक्षिण कोरिया के उत्तरी भाग ग्योवेशांग प्रांत में कुछ 6 बड़े वाहनों का प्रवेश बताया जा रहा है। संभवतः उस पर थॉर रक्षा प्रणाली का उपकरण हो सकता है। हालांकि यह तैनाती ऐसे समय में की जा रही है जब कथित तौर पर उत्तर कोरिया 6ठे परमाणु हथियार परीक्षण की तैयारी कर रहा है। थॉर प्रणाली छोटी एवं मध्यम वर्ग प्रकार के मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। उधर चीन ने थॉर को प्रणाली रद्द करने का आग्रह किया है। चीन ने कहा कि यह रणनीतिक संतुलन को खत्म कर देगा। हालांकि अमेरिका तैनाती पर कायम है। कुछ ही दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति उत्तर कोरिया के मसले पर गोखले बैठक करेंगे। ऐसा लग रहा है कि अब हालात और बदतर होंगे, तनाव और बढ़ेगा। उधर अमेरिका एवं रूस में भी शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, तो सवाल ये उठता है कि ताकत दिखाने की इस ओहोर में दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की ओर तो नहीं जा रही है। इसके लिए सारे ताकतवर देशों को बैठकर विचार करना होगा, क्योंकि ये इस बार अगर ये जंग हुई न कोई जीतेगा न कोई हारेगा, क्योंकि जो होगी तो सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी।